इसको इस तरीके से आगे बढ़ाने के बाद हम यहाँ पर जो आपका सेटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग पर आ जाना है। या आपकी सेटिंग ओपन हो जाने के बाद में आपको सीधे सैमसंग का जो ऊपर एरो का निशान है इसको आपको बैक कर देना है। जैसे आप बैक करेंगे आपके सामने जी बोर्ड का इस तरीके से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इसे क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऊपर की साइड तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप उसे सिलेक्ट कीजिए और हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आपको डिसेबल और डिलीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप इसे यहाँ पर सिर्फ सिंपल डी टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर देखिए डिलीट और डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसमें यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी ऐप्स ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपको जाना है क्रोम के अंदर, या आप अपना यहाँ पर क्रोम पर क्लिक कर लीजिए। क्रोम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखिए आपको ओपन दिखाई दे रहा है, अब हम यहाँ से क्रोम को ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने हमारा क्रोम ओपन कर लिया। अब यहाँ से आपको क्विक शॉर्टकट ऐप डाउनलोड करना है, ये देख लीजिए ये ऐप अपने यहाँ से डाउनलोड कर ली। आपको ये ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, मेरे डाउनलोड में रखा हुआ है, ठीक है। फिर हम इसे यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ से एप्लीकेशन पर जाते हैं। एप्लीकेशन के बाद हम सीधे नीचे लास्ट पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसे आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ट्राई पर दोबारा क्लिक कीजिए, आपकी सेटिंग ओपन हो चुकी है। सेटिंग ओपन होने के बाद में आपको इसमें लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे यहाँ पर जाएंगे आप आपको अदर सिक्योरिटी सेटिंग दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में डिवाइस एडमिन ऐप, ठीक है, ये आपका ऑफ है तो इसे आप ऑन कर दीजिए, ऑन है तो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बाहर की ओर चलते हैं और सीधे ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम आएंगे यहाँ पर देखिए ऑल ऐप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑल ऐप पर क्लिक कीजिए। ऑल ऐप पर आप क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसमें गूगल प्ले सर्विस आप ऑप्शन ढूंढिए, ये देखिए आपको गूगल प्ले सर्विस ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको इसे सिंपली डिसेबल कर देना है, ठीक है, और इसके बाद में आप इसे प्ले स्टोर को भी डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद में आपको टेक्नो केयर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास डाउनलोड है तो आप पेन ड्राइव में उसे इस तरीके से लेकर लगा सकते हैं। पेन ड्राइव में लगाने के बाद में आप इसे सिंपल स्टोरेज ऑप्शन पर जाकर, ये देखिए यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। देखिए स्टोरेज सेटिंग फाइल, ये देखिए
यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर आप पेन ड्राइव का निकाल के लगाइए। आपका पेन ड्राइव यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में अब आपको आपका जो एप्लीकेशन है टेक्नो केयर उसे इंस्टॉल करना है। आपका टेक्नो केयर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। आपको इसको ओपन नहीं करना है, इसे आपको डन कर देना है और आप वापस बैक आ जाइए। वापस से हम अपनी सेटिंग पर आ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेटिंग पर आने के बाद में आपको अकाउंट में जाना है। यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट ऐड कर दीजिए। तरीके से यहाँ पर आकर आप अपना गूगल अकाउंट ऐड कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आपका जीमेल यहाँ पर गूगल अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब आपको वापस से बैक आना है। बैक आने के बाद में हमने जिस एप्लीकेशन को डिसेबल किया था आपको उसे फिर से अनेबल कर देना है। दोनों ही एप्लीकेशन को हम अनेबल कर देना है। ठीक है, आप फिर से पूरी तरीके से बैक चले जाइए या फिर आप चाहे से इसे रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम बैक चले जाते हैं। Okay.